तो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, अब ये प्लम्बिंग का पूरा काम फिट हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये एल्बो और ये सादा एल्बो है, ये ब्रास एल्बो है और ये से क्लिप लगा के, सेगल क्लिप लगा के हाफ इंची का बात में वायरिंग हुआ है। और ये रही प्लेन एल्बो और ये ब्रास टी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे लाइन गई, यहाँ पे तीन एल्बो का लाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन टी जो गीजर के लिए जाता है ऊपर ठंडा पानी, ये इन है ठंडा पानी के लिए और ये आउट है। ऐसे करके यहाँ से ये भी एल लगा करके यहाँ से ये ब्रास टी है जो गर्म पानी और दोनों ठंडा, जैसे गर्म ही गीजर गर्म करेंगे तो गर्म आएगा नहीं तो ठंडा। और ये कौनसिल है जो आप चालू करेंगे, ऐसे चालू करेंगे, ये उल्टा है, ऐसे चालू करेंगे तो यहाँ से सावर है, सावर में, सावर में, सावर मतलब सावर चलेगा, सावर से आप यहाँ नहा सकते हैं। और ये है मोटर का, यानी मोटर का पानी है, टंकी मोटर दोनों रहेगा, यहाँ से दो नल है, ठंडा और गर्म। और ये लाइन बाहर गया है, बाहर के बाहर लाइन गया है। और यहाँ पे दोस्तों ये सीट बैठेगा जो जैसे कमोड होता है वैसे सादा सीट, ये जो फ्लश सिस्टम है उसके लिए एक एंगल कॉक यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे मतलब एक नल लगेगा। तो मिला के दोस्तों बात यह है कि अब ये तो फिट हो चुका है और फिट होने के बाद अब ये पूरा तैयार है, अब ये प्लास्टर होगा, प्लास्टर हो जाने के बाद फिटअप हो जाएगा। तो दोस्तों एक और चीज़ है, वन वे टू कनेक्शन, यानी एक ही पाइप में दो कनेक्शन, एक ही पाइप में दो कनेक्शन, टंकी का और मोटर का दोनों एक ही पाइप में डबल कनेक्शन। और आपको हम ये पूरा वीडियो बाद में दिखाएंगे, जब हम पूरा काम कर लेंगे तब हम इसके बारे में पूरा वीडियो दिखाएंगे, टोटल वीडियो करके दिखाएंगे। और दोस्तों हमें वीडियो बनाने नहीं आता इसलिए कैसे करके पहले काम करके तब वीडियो बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।